नमस्ते, मेरे साथ राजीव रंजन सिंह साहब हैं और आज जब सुबह मैं इनसे आग्रह कर रहा था कि थोड़ा अडानी वाले मामले पे कुछ चीज़ें और बताएं, तो एक चीज़ तो समझ में आई कि देखिए ये अडानी का जो जो कुल मामला है ये आम दर्शक आम नागरिक के लिए थोड़ा थोड़ा पेचीदा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतने इसके अलग अलग हिस्से हैं कि उसको थोड़ा एक जगह जमा करके सिस्टमेटिकली बताने में थोड़ा समय चाहिए। मेरे एक दर्शक ने दो दिन पहले, मतलब कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई ठीक है अडानी का कुछ गड़बड़ हुआ तो सभी गड़बड़ करते हैं तो हमसे क्या मतलब, हमारा क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने राजीव जी से ये बात कही और ये फर्क पड़ता है। राजीव जी ने इसको विस्तार से इस पे बहुत से आर्टिकल लिखे हैं, एक नहीं बहुत आर्टिकल लिखे हैं। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगले 8-10 दिन में रोज एक किसी हिस्से को, क्योंकि इसके बहुत से वो हैं अलग अलग वो हैं, तो एक को थोड़ा थोड़ा आपको हिस्सों में बताएं जिससे चीजें समझ में आए और चीजें ये भी समझ में आए कि हमारे और आपका क्यों कंसर्न होना चाहिए और हमारा आपका क्या है ना कि हमसे क्या मतलब का मतलब भी समझाने की कोशिश करेंगे। राजीव जी स्वागत है आपका। और राजीव जी की एक स्टोरी, एक आज से 5-6 साल पहले इन्होंने जो आज हो रहा है अगर उसको उससे मिलाइए, वो डीएनए में छपी थी, मैं उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ। 11 साल पहले मैं उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ। और अगर उस स्टोरी के तार अभी जोड़िए तो लगता है किसी भविष्यवक्ता की तरह वो सारी बातें जो अभी हो रही हैं वो कही थी, वो स्क्रिप्टेड लग रहा है, या तो इनकी स्क्रिप्ट सही है, अडानी जी ने कुछ काम किए। खैर, सबसे पहली बात जो राजीव जी आपने उसमें उठाया कि ये सोर्स ऑफ फंड, बाकी तो ठीक है कि ऐसे घूम के आया, राउंड ट्रिपिंग हुई, दुबई गया तो वर्जिन आइलैंड गया तो बरमूडा गया, कहाँ कहाँ गया, लेकिन सोर्स ऑफ फंड पे आपने बात की, थोड़ा इसको स्पष्ट करिए। और ये मान के चलिए कि हमारे दर्शक मेरे ही जैसे हैं जिनको बहुत ज्यादा आर्थिक ज्ञान नहीं है, ऊपर ऊपर से समझते हैं लेकिन उसकी इंट्रिकेसीज को थोड़ा आप आसान भाषा में समझाइए। देखिए, कोई भी यदि आदमी अपना उद्योग खोलता है, अपना बिजनेस खोलता है, तो दो तरीके हैं पैसे रेस करने के। एक तो ये कि वो बैंक से लोन ले, बैंक से पैसा लेके कारोबार करें, और या फिर दूसरा जो है वो है इक्विटी, यानी अपने शेयर्स, अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको बेच के पैसा कमाएं। यही दो तरीके हैं फंड जुटाने के मूलभूत रूप से। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ है कि अदानी जी ने, यदि ये जो दो मैं आपको पार्ट बोलूं, तो लोन का जो पार्ट है यानी बैंकों से जो लोन लिए हैं वो आप देखिए FY23 तक, मतलब लेटेस्ट तो नहीं है मेरे पास, मैं एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से FY23 तक का ही है, यानी March 31, 2023 तक, उसमें अदानी जी के कंपनीज के ऊपर में 2.27 लाख करोड़ का लोन था, ग्रॉस डेट, यानी जो बैंकों से इन्होंने लोन लिया है वो 2.27 लाख करोड़ का है। और इसी में यदि मैं जोड़ दूं कि जो इन्होंने शेयर्स बेचे हैं FIIs को, वो है करीबन 1.48 लाख करोड़। जब हिंडनबर्ग एक्सपोजे हुआ था उस टाइम में फिगर सामने आया था कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास के शेयर्स जो हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में, तब तक ये GQG पार्टनर ये सब तो अभी आए हैं, उस टाइम में 1.5 लाख करोड़ के आसपास में थे। तो आप देखिए 2.27 लाख करोड़ का इनके ऊपर में ग्रॉस डेट है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास में इनकी इनकी इक्विटी जो है वो फॉरेनर्स ने खरीदी है, उसके अलावा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास में कुछ 16,000 करोड़ रुपए के शेयर्स इन्होंने बेचे हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटी इनका सोर्स ऑफ फंड जो है वो 4 लाख करोड़ के आसपास में सिर्फ इन तीन चीज से है, और बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप ये समझिए कि ये जितने भी बिजनेसेस में हैं, ये सारे बिजनेसेस हैं रेगुलेटेड सेक्टर में। मोस्टली रेगुलेटेड सेक्टर का मतलब ये होता है कि आप जितना पैसा खर्चा कर रहे हो उस धंधे को लगाने के लिए, वो आप धीरे 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 कंज्यूमर से लोगे और उसके ऊपर में आप 15-18% के बीच में ही सिर्फ एक्स्ट्रा रिटर्न ले सकते हो हर साल, उससे ज्यादा नहीं। जैसे बैंक आपको 8% का ब्याज देता है, वैसे कंज्यूमर आपको 15-18% से ज्यादा नहीं देंगे। तो जैसे पावर की प्रोजेक्ट्स हो गए इनके, तो जो भी ये पावर का जो टैरिफ है जो डिसाइड होता है, या गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका जो टैरिफ है वो जो डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है इन्होंने कितना खर्चा किया है गैस की पाइपलाइन बिछाने में या पावर प्लांट्स लगाने में। ठीक है,
और उसका एक लाइफ स्पैन देंगे, जैसे एक पावर प्लांट का लाइफ स्पैन दे दिया 25 साल, तो यदि आपने 10,000 करोड़ रुपए खर्चे किए हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके 25 साल में ये 10,000 करोड़ रुपए पूरे निकालोगे, प्लस हर साल आपको 15 से 18% का, जो मैंने बोला आपको कि 15 से 18% का अश्योर्ड आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब आप उतना ही टैरिफ एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो अपने कॉस्ट के ऊपर में, जो आपका मार्जिन रहेगा। अब ये सोचिए, मेरी जो स्टोरी थी जो मैंने 2012 में लिखी थी, बेसिकली वो यही थी कि कैसे ये लोग अपने प्रोजेक्ट्स को इन्फ्लेट करते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट को ये लोग इन्फ्लेट करते। थंब रूल ये बोलता था उस टाइम में कि एक पावर प्लांट को लगाने में 4,000 करोड़, 1 मेगावाट के पावर प्लांट को लगाने के लिए आपको 4 करोड़ रुपए की जरूरत है, 1,000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए आपको 4,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है। पर ये लोग जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट बैंक्स को देते थे लोन लेने के लिए, उसमें 4 करोड़ के बदले उसका कॉस्ट 6 करोड़ बताते थे, तो 50% तो आपने यही चीज को बढ़ा दिया। अब ये जो 50% बढ़ा है, इसके दो फायदे, एक तो जो कंज्यूमर से ये पैसे लेंगे 30 साल तक पावर प्लांट अगर रहा, तो ये 4,000 करोड़ के बदले 6,000 करोड़, अगर 1,000 मेगावाट का है तो 6,000 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे, और इन्होंने तो 3,300 मेगावाट का तिरोड़ा में एक पावर प्लांट है, अमरावती वर्धा, ये जो विदर्भा एरिया है महाराष्ट्र का, वहां पे इन्होंने लगाया था, जिसके ऊपर स्टोरी किया था मैंने। 3,300 मेगावाट में आप समझ लीजिए कि हर मेगावाट में 2 करोड़ यदि बढ़ रहा है तो 6,500 करोड़ रुपए तो आप आने वाले मतलब वर्षों में सिर्फ कंज्यूमर से, मेरे से आप सिर्फ फ्लीस कर लेंगे, सिर्फ ये कैपेसिटी कॉस्ट बता के कि हमारा जो है कैपेसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा रहा है। तो मेरी स्टोरी ये थी कि इनकी कंपनी में ग्रोमोर करके मॉरिशस बेस्ड फंड था, उसने इनकी कंपनी में अदानी महाराष्ट्र लिमिटेड, जिसका 3,300 मेगावाट का प्लांट था, उसमें पैसे लगाए थे। अब ये जो सोर्स ऑफ फंड है, देखिए लूप होल्स भी कैसे अपने नियम कानून में रहते हैं। आरबीआई का ये कहना, आरबीआई का रूल ये बोलता है कि यदि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है पावर सेक्टर में, तो वो ऑटोमेटिक रूट कहलाता है, यानी उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोई परमिशन कागजात ये सब देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि आपको जो पैसा आ रहा है बाहर से, मॉरिशस से, बरमुडा से, या कोई भी टैक्स हेवन से, आपको उसके अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का नाम देने की जरूरत नहीं है, यदि ये एफडीआई के थ्रू पैसा आ रहा है ऑटोमेटिक रूट के। तो इन्होंने, चूंकि पावर प्लांट था तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक रूट में आ गया, वो ऑटोमेटिक रूट में आ गया, तो किसका पैसा आ रहा, विनोद अदानी का आ रहा, क्योंकि जब मैंने स्टोरी लिखी थी मुझे नहीं मानता कि विनोद अदानी जी का पैसा है या चांगचुंग लिंक का है या जो भी है। बाद में पता चला वो जो कंपनी का नाम मैंने मेंशन किया उसमें ओपाल इन्वेस्टमेंट, वो चांगचुंग लिंक की कंपनी है, अब पता चल रहा है कि चांगचुंग लिंक जो है ये कौन है। तो उस टाइम में तो पता ही नहीं था, 11 साल पहले, मतलब एक काफी खोजबीन करने के बाद में एक पॉइंट पे आके मैं रुक गया था, मुझे नहीं मतलब उसके आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बरमुडा मॉरिशस यहां तक जाने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन को खर्चा भी तो आपको उठाना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को, आप कैसे ये करोगे। खैर बहरहाल, तो ये जो है ये सोर्स ऑफ फंड जो है अब समझ में आ रहा है, जैसे आपको बताया गया ये ओवर इन्वॉइसिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में की गई। हालांकि ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जब भी रेवेन्यू बढ़ाया जाता है ओवर इन्वॉइसिंग की जाती है तो ये डीआरआई में केस जाता है, डीआरआई ने इनको क्लीन चिट दे दिया मोदी जी के टाइम में। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक अदानी ग्रुप के ऊपर में कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे में नहीं होगी, उनको क्लीन चिट मिलना ही है, ठीक है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इनकी इंक्वायरी कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसी समय में लोग सोचते विनोद अदानी 30 साल से इंडिया के बाहर है, ऐसा नहीं है, विनोद अदानी उसी समय में इंडिया के बाहर गए हैं, 2017 में वो उन्होंने इंडिया को छोड़ा है। तो ये जो सोर्स ऑफ फंड जो आ रहा है इंडिया के अंदर में और जिसके अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप के नाम नहीं पता चल पा रहे, क्योंकि आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नियम है उसी के अंदर में मेंशन नहीं था कि भाई आपको अल्टीमेटली बेनिफिशियल ओनरशिप का नाम देना जरूरी है। तो ये तो बड़ा कठिन है, मुश्किल है पता लगाना कि जो भी पैसा इंडिया में आ रहा है वो कहां से आ रहा है, किसका आ रहा है,
इसीलिए ये वेब ऑफ कंपनीज बनाई जा रही है जी। मैं राजीव जी एक चीज जरा दर्शकों को और समझा दीजिए, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो पैसा आप ओवर इन्वॉइसिंग कर देते हैं, मतलब आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं वो 4,000 करोड़ को इन्फ्लेट करके 6,000 करोड़ करते हैं, और केवल अडानी जी नहीं करते हैं, ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। डेरी लगाना है, 10 लाख का लोन चाहिए तो बैंक ही वाला कहता है कि 15 लाख का कर लो, अपना मार्जिन मनी इसी से निकल आएगा, और इसको करने के लिए मुझे 20,000 रुपए तुम दे देना या फलाना वकील से इसकी प्रोजेक्ट। ये कोई अडानी जी नया नहीं लाए हैं, ये हमारे यहाँ हमारे आपका मुर्गी पालन आप भैंस लेने जाओ 40,000 की भैंस को कहता नहीं 50,000 कर लो, 10,000 रुपए में 1,000 मुझे देना। ये हिंदुस्तान में बिल्कुल हम लोगों के मतलब इंजेक्शन देके सबको समझाया गया है, ये दिक्कत नहीं है। ये एक काम और कर रहे हैं उसको जरा समझा दीजिए, जो अभी आया है कि ये इनवॉइसिंग जो करते थे कि चाइना से माल चलता था और वो हाँ वो जरा समझा दे, वो इनवॉइस पहुंचती थी दुबई, 100 रुपए का माल दुबई में 100, दुबई से जो नई इनवॉइस इनको मिलती थी 200 की हो जाती थी, कोई वैल्यूएशन नहीं हाई सीज से, उस पर थोड़ा बता दीजिए क्योंकि वो एक और तरह से आप हमारे और आपके पैसे को वो कर रहे हैं और कॉस्ट इन्फ्लेट कर रहे हैं। देखिए मेरे पास में शायद अभी भी वो रिकॉर्डिंग कहीं पड़ी हुई है, अदानी ही ग्रुप के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राइट हैंड मैन ऑफ गौतम अदानी थे 2012 में अमित देसाई, मैंने इनको यही क्वेश्चन किया था कि महाराज यदि आपका खर्चा चाइना से इक्विपमेंट मंगाने में उतना ही आ रहा है जितना इंडिया में BHEL से बनवाने में आ रहा है तो आप चाइना से क्यों मंगा रहे हैं और वो भी दुबई के रूट के थ्रू क्यों मंगा रहे हैं। तो उन्होंने ये अभी भी होगा मैं ढूंढूंगा घर में मुझे मिल जाएगा, उन्होंने बोला था विथ माई फोल्डेड हैंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू मिस्टर सिंह That don't run this story with my folded hand. अगर वो इस चीज को इनकार करेंगे मैं ये रिकॉर्डिंग ढूंढ के निकाल के लाके दूंगा। ये जो है ये जो किया जा रहा है ऐसा नहीं है कि अमित देसाई या अदानी जी को पता नहीं था कि मीडिया जो है उनको ये चीज नहीं मालूम है या उनके पास में जो है इसका ये नहीं, और मैंने इस 2012 की स्टोरी में उनको कोट भी किया है कई जगहों पर। देखिए क्या होता है, आप कंपनी बना रहे हो दुबई में, ठीक है, माल मंगा रहे हो आप चाइना से दुबई जाएगा और दुबई से इंडिया क्यों आएगा, वो भी अच्छा चाइना से दुबई जाएगा, दुबई से मॉरिशस आएगा, मॉरिशस से इंडिया आएगा, ये क्यों? मतलब आप एक आपके मेरे जैसा आदमी यदि इस तरीके की धांधली करता है तो तुरंत हमारे अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल हो जाते हैं। तो ये बड़े लोगों के खेलने के लिए सब नियम बना दिया है। ओवर इनवॉइसिंग का देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप ओवर इन्वॉइसिंग कर रहे हो, 4,000 के बदले 6,000 करोड़ का इक्विपमेंट वहां खरीद रहे हो, ये जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा 2,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो गए हैं अब इसका क्या करोगे आप? आपने तो बाहर भेज दिया ना क्योंकि आप इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हो, तो बैंक जो है वो जो आपका बैंक है वो जो भी जिसने भी इक्विपमेंट बनाया है उसके नाम की LC को लिए उसको 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 पैसे देगा, उसके बैंक को, वो बैंक एक्सपोर्टर को पैसे देगा, एक्सपोर्टर के साथ में आपका पहले से ही ये है कि भाई देख मैं ज्यादा तेरे को पैसे दूंगा, मैं ऑर्डर दे रहा हूं पर मैं तेरे को ज्यादा दूंगा, ये पैसा जो है ये किसी और दूसरे चीज के ऑर्डर में आप मेरी दुबई की एक कंपनी को दे देना क्योंकि आपको पैसे तो लाने। अब ये 2,000 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा आ गए वो तो आ गए दुबई में, उन्होंने दे दिया सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कुछ कुछ भी काम कुछ भी दिखा के दे दिया इस कंपनी को, ये कंपनी अब इंडिया में कैसे पैसे लेके आएगी? तो इन्होंने मॉरिशस में कोई फंड के अंदर में अपना एक फंड खोल लिया, उसमें डाल दिए पैसे कि भैया हम जो है ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में मॉरिशस के थ्रू, और वो मॉरिशस का पैसा और किसी कंपनी में नहीं लग रहा है, वो आपकी कंपनी में लग रहा है आपके शेयर प्राइजेस को बढ़ाने में, और आपके शेयर प्राइजेस मान लीजिए 100 रुपए के हैं, 100 रुपए के शेयर प्राइजेस यदि 3,000 रुपए पहुंच गए तो जब भी आप बैंक को प्लेक्स करते हो शेयर तो आपको उसका 50% के आसपास में आपको पैसा मिलता है। तो यदि मैंने 3,000 रुपए पे किया तो बैंक बोलेगा कि 1,500 रुपए के नीचे यदि एक भी रुपए गया तो आप मेरे को मार्जिन मनी भरोगे, जब तक उसके नीचे नहीं जाता कोई चिंता की बात नहीं है। तो आपने 1,500 रुपए उठा लिए उसी शेयर पे जिसकी औकात 100 रुपए की है, जिसका फेयर वैल्यू 100 रुपए का है, तो आपको तो 15 गुना ज्यादा पैसे मिल गए, आपको 15 गुना ज्यादा पैसे मिल गए। अब वो पैसे से आप खरीदो जो भी खरीदना है, दुनिया भर के एसेट खरीदो। तो ये जो मजे हो रहे हैं सारे के सारे ये आपके और मेरे पैसे पे हो रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि टोटल ग्रॉस डेट जो है अदानी ग्रुप के ऊपर में वो 2.28 लाख करोड़ का था। 2.28 लाख करोड़ में 28% फॉरेन बैंक्स ने इनको दिया पैसा, बाकी तो सब अपने ही है। तो 1.75 लाख करोड़ के आसपास में, 1.7 लाख करोड़ के आसपास में भारतीय बैंकों का है, यानी मेरा और आपका। और इसमें और एक मजे की बात आपको बता दूं आपके दर्शकों को, इंडिया का जो टोटल लेंडिंग है बैंकिंग सेक्टर का वो है 135 लाख करोड़, ठीक है, और जिसमें से सिर्फ अदानी के ही, अदानी ग्रुप को ही अगर मान लीजिए 1.75 लाख करोड़ मिला है नेट डेट जो बता रहे हैं, तो 1% से ज्यादा, तो आपने एक ही कंपनी पे एक्सपोजर ले लिया है। इंडिया का टोटल लेंडिंग बैंक्स का 135 लाख करोड़ कॉपरेटिव प्रॉपर्टी सब मिला हम लोग की, उसके अंदर में यदि आप मान लीजिए 1.75 लाख करोड़ एक ही कंपनी के पास जा रहा है, तो कितना बड़ा सिस्टमिक रिस्क ले रहे हैं हम लोग, कितना बड़ा सिस्टमिक रिस्क ले रहे हैं। और इसमें यदि आपका कोई दर्शक पूछता कि क्या प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम ये है कि साहब आपका पैसा है, गलती से भी हमारे सामने एग्जांपल है आईएलएफएस का, हमारे सामने एग्जांपल है यस बैंक का, बिका ना यस बैंक को, हाथ जोड़ जोड़ के एसबीआई को दिलवाया इन लोगों ने। तो ये एक भी इतना बड़ा जिसके ऊपर भी एक्सपोजर है, यदि कुछ भी होता है, मैं नहीं बोलता हूँ कि अदानी के ऊपर कुछ कल होने जा रहा है, बट यदि जरा भी कहीं भी डिफॉल्ट हुआ, कोई सिस्टमिक रिस्क आया, तो आप समझिए कि सिस्टम में कैसे फ्लटर हो गया, नहीं कैसी गड़बड़ियां, कैसी घबराहट पैदा होगी। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ये आपके और मेरे सामूहिक पैसे हैं, वो लोन के पैसे हैं जिनकी ओवर इन्वॉइसिंग की जा रही है, इंडिया के बाहर भेजे जा रहे हैं, फिर टैक्स हेवन में फंड्स बन रहे हैं, वो फंड जाके वापस उन्हीं कंपनीज के पैसे खरीद रहे हैं जिस कंपनी ने ओवर इन्वॉइसिंग की है। ये यदि मैं और आप करेंगे तो हम जेल के पीछे रहेंगे, वी विल बी थ्रोन बिहाइंड द बार। करेक्ट। थैंक सो मच राजीव जी। आज हमें, मुझे लगता है कि इसको छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग अलग अलग करेंगे। आने वाले समय में आपने कहा टैक्स हेवन पे एक बात होनी चाहिए, ओसीसीआरपी पे एक बात होनी चाहिए, हमारे यहाँ ऐसे पदों पे बैठे हुए जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो जिनका रोल यह है कि सुपरवाइज करेंगे, उस पद के अध्यक्ष फिर उसी कंपनी में चले जाते हैं जिसको इस पे एक अलग से एपिसोड करेंगे। कुछ कुछ विषयों पे कोशिश करेंगे कि आपसे इस पे थोड़ी क्लैरिटी लेते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल इसमें एक नए किसी और के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।